चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा हो रही थी, और उसको बताते हुए हम लोग संविधान के भाग 3 तक पहुँचे थे। मौलिक अधिकार आपको बताया था, फंडामेंटल राइट्स, और बताया था कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक इंसान के तरीके से जीने के लिए जितने भी न्यूनतम अधिकार होने चाहिए, मिनिमम राइट्स, सबसे कम, कि अब उससे कम अगर कर दिया जाए तो फिर आप उसको इंसान की श्रेणी में नहीं रखेंगे, फिर वो पशुओं की श्रेणी में आ जाएगा। उसी को नाम दिया गया क्या, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और बताया कि ये जो मौलिक अधिकार है ये गारंटीड है, इसके लिए चारों तरफ से इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि इसको कम नहीं किया जा सकता, और 32 में कहा गया कि अगर छीना गया तो सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अब ये जो फंडामेंटल राइट है, ये जो मौलिक अधिकार है, इसमें बताया था कि मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताया था राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। तो इस समता के अधिकार में कुछ अनुच्छेद आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहले बताया था आर्टिकल 14, 14 में आपको बताया था क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, यानी कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। और इसी में बताया था कि कानून जो सबके लिए बराबर रखा गया है, तो इसमें दो चीजें हैं, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि कानून सबको बराबर रूप से प्रोटेक्ट करेगी, और ये अपने आप में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। विधि के समक्ष समता एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सबके लिए बराबर नहीं हो सकता। ये व्यवस्था तब सही हो सकती है जब समाज में सारे लोग बराबर हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सब लोग बराबर हों, तब तो विधि के समक्ष समता ठीक होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत सामर्थ्यवान होते हैं, बहुत के पास सामर्थ्य बहुत कम होती है, तो इसलिए ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है। फिर 15 में आपको बताया था कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, भेदभाव को मना किया गया, और भेदभाव को मना करने के कितने आधार बताए गए हैं, 5, जिसमें आपको बताया था कौन कौन से आधार थे। ठीक, और 5 स्थानों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपको बताया था कि सकारात्मक भेदभाव होता है कि जो पब्लिक प्लेसेस पर स्पेशली महिलाओं और बच्चों के केस में राज्य करती है। ठीक, फिर 16 में आपको बताया था अवसर की समानता, कि सार्वजनिक अवसर जो सरकार देगी, यानी जो आपको नौकरियां देगी, उसमें आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी में 16 के साथ आपको बताया कि 16 चार जोड़ा गया है, जिसमें रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण सरकारी नौकरियों में, क्योंकि समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा था, तो उसी को दूर करना था। और उसी आरक्षण को पहले जब 16-4 में आपको बताया था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दिया गया, बाद में देखा गया कि बहुत सारे जो जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, तो उसके लिए पिछड़ा वर्ग जिसको कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसके लिए पहले बताया कि आयोग बने थे दो। सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था, काका कालेलकर आयोग, और इन्होंने बहुत सारी पिछड़ी जातियों की पहचान की और सभी महिलाओं को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश की थी। फिर बाद में 1978 में बीपी मंडल कमीशन बना था, बिंदुेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में। 1980 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस समय सरकार ने इस पर काम नहीं किया। फाइनली 13 अगस्त 1990 को बीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू कर दिया, और 27% अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। और यहाँ पर आरक्षण, इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि 27% एक बड़ा हिस्सा था। और इसी के बाद फिर क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया, बताया था कि पहले 1 लाख से शुरू हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते फिलहाल कितना है, 6 लाख। फिर इसी में बताया कि आर्थिक रूप से सवर्णों के लिए भी आरक्षण दिया गया, कौन से संशोधन से, 103वें संशोधन से, ईडब्ल्यूएस जिसको हम लोग बोलते हैं, 16-6 जोड़ा गया। फिर इसके बाद अनुच्छेद 17 आपको बताया था, 17 में क्या था, अंडा फंडेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, तो इसमें अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसको कानूनी भी बनाया गया। इसके लिए बकायदा अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1976 55 में, बाद में इसका नाम बदला गया, और इसमें अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, दंडनीय अपराध बनाया गया। इसके बाद इस में 5वां था उपाधियों का अंध, इंट ऑफ टाइटल्स, जिसमें कहा गया कि भाई जो सरकार, पहले ब्रिटिश सरकार अपने जमाने में जो टाइटल्स देती थी, उनके जो चाटुकार लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनको नवाब साहब, राय बहादुर जैसी बड़ी बड़ी टाइटल दी जाती थी। अब कहा गया कि अब राज्य किसी प्रकार की कोई उपाधि किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये जो टाइटल्स हैं, ये जो उपाधियाँ, ये समाज में क्या करते हैं, असमानता क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव समाप्त करते हैं।
लेकिन इसमें कहा गया कि शैक्षणिक उपाधि जो एजुकेशनल्स है और जो मिलिट्री टाइटल्स है यानी सैन्य उपाधियाँ वो दी जा सकते हैं, बाकी नहीं दी जा सकते। ठीक। और अगर कोई दूसरा देश भारत के किसी नागरिक को उपाधि देता है तो फिर उसे भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यहाँ तक आपको बता दिया था। अब इसमें भी कई केसेस हुए कि जैसे 1954 में 1954 में भारत सरकार ने नागरिक सम्मानों की घोषणा की, आपने सुना होगा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये जो नागरिक सम्मान थे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जब दिए गए तो इनकी जब घोषणा की गई तो सरकार देती थी इसको। बाद में 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने इसी अनुच्छेद 18 का हवाला देते हुए इन पुरस्कारों को बंद कर दिया कि अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियां नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार दे रही है। अब जैसे किसी एक को उपाधि दी गई, जैसे सचिन तेंदुलकर को कहा गया भारत रत्न, यानी सचिन तेंदुलकर भारत के क्या है, रत्न है। अब वो भारत के रत्न है, इसका मतलब हम लोग कंकड़ पत्थर हुए उनके आगे। भाई एक को हम कह रहे हैं कि वो रत्न है तो मतलब बाकी क्या है उसके आगे, तो फिर कंकड़ पत्थर ही माने जाएंगे। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो भेदभाव है। तो इसी अनुच्छेद 18 का हवाला देते हुए उसको समाप्त कर दिया गया। फिर बाद में इसमें केस हुआ, फिर 1980 में सरकार वापस आई और इसमें सरकार ने ये तर्क दिया और इन सम्मानों को फिर से शुरू किया कि ये जो भारत रत्न है, पद्मश्री और पद्म भूषण है, ये एक्चुअली उपाधि नहीं है, टाइटल नहीं है, ये सम्मान है, ये रिस्पेक्ट है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अच्छे नागरिकों को सम्मानित न करें। ये जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं ना, आप देखेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न, इसमें पैसा नहीं मिलता, एक रुपया नहीं देते, बस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है और प्रोटोकॉल में कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये केवल क्या है, सुविधा दी जाती है आपको। तो इसमें कहा गया कि पैसा नहीं दिया जाएगा, ये उपाधि नहीं, ये क्या है, सम्मान है। और इसको नाम के प्रीफिक्स के तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रीफिक्स का मतलब होता है ना उपसर्ग प्रत्यय, कि जो नाम के पहले लगाते हैं। तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ये लिखना गलत होगा, सचिन तेंदुलकर उसके बाद तब आप भारत रत्न लिखे, क्योंकि भारत रत्न या पद्मश्री फलाना लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप उस सम्मान से अपने वेटेज को बढ़ा रहे हैं। आप इसको नाम के बाद इस्तेमाल करेंगे, हालांकि कहा गया है कि नाम के बाद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लोग कर लेते हैं नाम के पहले, सरकार मना भी नहीं करती, लेकिन कहने से ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी में कहा गया। तो उसी में जो एक केस हुआ था जिसको कहा जाता है बालाजी राघवन वाद, तो उसी में टाइटल और रिस्पेक्ट में क्या किया गया, डिफरेंस किया गया कि उपाधि अलग चीज होती है और सम्मान देना अलग चीज होती है। ठीक। तो इसलिए टाइटल नहीं दी जाएगी सरकार द्वारा, क्या दिया जा सकता है, सम्मान। लिख लीजिए, उपाधि और सम्मान में अंतर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड रिस्पेक्ट। उपाधि और सम्मान में अंतर, ये किसके केस में आया था, बालाजी राघवन केस में, इन बालाजी राघवन केस, टाइटल एंड रिस्पेक्ट या ऑनर। ठीक है, किस केस में आया, बालाजी राघवन केस में, इन बालाजी राघवन केस। इसमें कहा गया कि लिख लीजिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि उपाधि नहीं है, एक सम्मान है। भारत रत्न, पद्म विभूषण इटीसी इज नॉट अ टाइटल, इट इज एन ऑनर। यह उपाधि नहीं, यह क्या है, सम्मान है। इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज एन ऑनर, यानी यह उपाधि नहीं क्या है, सम्मान है। सो इट कैन बी गिवन बट इट कैन नॉट बी यूज एज अ प्रीफिक्स बिफोर द नेम, लेकिन इसे दिया जा सकता है, लेकिन इसको नाम में पहले क्या लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं कि प्रत्यय लगाते हैं, उपसर्ग की तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बट इट कैन नॉट बी यूज एज प्रीफिक्स बिफोर द नेम, ये नाम के पहले उपसर्ग की तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अगर ये लिखा है तो ये क्या है, गलत। सचिन तेंदुलकर तब फिर क्या लिखा जाना चाहिए, भारत रत्न लिखा जाना चाहिए। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये किस केस में कहा गया था, राघवन केस में ये कहा गया। और इसमें
अंतर दिया गया उपाधि और सम्मान में, द डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड टाइटल, या ऑनर एंड टाइटल, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये जो हम लोग देख रहे थे अनुच्छेद 14 से लेके कहाँ तक, 14 आपको बताया, 15 बताया, 16 बताया, 17 और 18, कितने अनुच्छेद हो गए, 5। ये सारे आर्टिकल्स बताते हैं कि सब के सब क्या है, बराबर है, कोई कम या ज्यादा नहीं। तो यही अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिखाया जाता है क्या, समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेके 18 तक, कुल कितने अनुच्छेद हैं इसमें, 5, ठीक, बेसिकली 5 है, बाद में इसमें कुछ ऐड किए गए, ठीक। तो ये पहला मौलिक अधिकार आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा फंडामेंटल राइट लिखिए, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अब इसमें सबको स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दिया गया है, सबको क्या दी गई है, स्वतंत्रता, ठीक। अब इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) तो 19(1) क्या है, लिखिए पहले 19 से का आपको लिखवाए थे, स्वतंत्र 19(1), उसमें नीचे जाओगे सब मिलेगा, वो केवल इंडेक्स है जो देख रहे हो, नीचे डिटेल में है सारी चीजें, सारे आर्टिकल्स नंबर से है एक तरफ से। नाइनटीन वन नीचे जाओ एकदम, और नीचे जाओ, वो तो इंडेक्स है, उसे पेज नंबर लिखा होगा, कौन से पेज नंबर पर है, वो तो 19(1) में क्या दिया गया है, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। तो ये जो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1) में दिया गया है, तो इसमें कुल 6 अधिकार हैं, कितने अधिकार हैं, 6 हैं, ठीक है। और जिसे इसमें सबसे पहले है, इसमें 19(1) में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता कि आपके एक्सप्रेशन आज़ादी है, कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें कुल कितने अधिकार हैं, 6। तो इसमें सबसे पहले 19(1)(a) लिखिए, 19(1)(a), तो 19(1)(a) में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार का मतलब कि आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, यही जो आपकी बोलने की आज़ादी है, आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी बोलने की आज़ादी में जो मीडिया की स्वतंत्रता है, न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता है, अखबार वाले किसी के खिलाफ कुछ भी लिख देते हैं, न्यूज़ चैनल वाले किसी के खिलाफ कुछ भी चला देते हैं, आप फेसबुक पर कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, तो यही क्या है, स्वतंत्रता है आपकी। इसी में लिख लीजिए कौन कौन से स्वतंत्रता आते हैं,
प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस कि आप जो, या मीडिया की स्वतंत्रता लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मीडिया। तो जो भी आप बोलते हैं, बोलने का अधिकार आपका है, इसी वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कि आप स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं। अखबार वालों की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, न्यूज़ चैनल की स्वतंत्रता, फेसबुक की स्वतंत्रता, ट्विटर की स्वतंत्रता, ये आपकी क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यानी कुछ भी बोलने का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक, अब ये कुछ भी बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है कि बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार का? अब हम ही आपको बोल रहे हैं कि बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, और हम ही आपको कई बार बोलने नहीं देते। क्लास में आते हैं, हम ही बोलते हैं, हम ही बोल के चले जाते हैं। हम अगर आपको बोलने नहीं देते तो क्या आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं करते? करते हैं। देखिए, हम आपके सामने जो बोल रहे हैं, हम आपके सामने बोल इसलिए रहे क्योंकि हम थोड़ा बहुत जानते जानते हैं, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। अब सोचिए हम कुछ नहीं जानते, इसके बाद हम बोलते तो क्या आप हमारी बात सुनते? आप बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होते, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा। तो भारत की सरकार भी कहती है कि हमारा संविधान भी कहता है कि भारत के हर नागरिक को बोलने का अधिकार, बोले, बोलने से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन बोलने से पहले आपको क्या करना होगा? मैंने क्या करना होगा? जानना। बिना जाने आप ना बोले तो क्लास में भी आपको बोलने का अधिकार है। जैसे आपको शेड्यूल पढ़ाया, आपके डेवलपमेंट पढ़ा, उसमें कुछ आप पूछेंगे तो हम बड़े आराम से बताएंगे। अब आलतू फालतू मुंह में कुछ भी आया, बकते चले जाए, तो उसको तो नहीं बोलने दिया जाएगा। ठीक, तो पहले आप जानिए, उसके बाद बोलिए। तो वही सरकार भी कहती है कि भारत के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने के साथ उसको क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। तो इसीलिए अक्टूबर 2005 में एक एक्ट पास किया गया, कौन सा? आरटीआई एक्ट। तो जो आरटीआई एक्ट है, जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये आपके किस अधिकार में शामिल है? आपके बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि बोलेंगे कब आप? जब जानेंगे। बिना जाने कैसे बोलेंगे? लिख लीजिए, आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पास किया गया? अक्टूबर 2005, उसको कर लीजिएगा अक्टूबर 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये क्या है? आपको एक्ट बना के दिया गया कि भारत का हर नागरिक पहले क्या करे? जाने, उसके बाद तब बोले, बिना जाने न बोले। तो ये सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है कि आप राज्य से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर पर, 10 रुपए की फीस पर आप किसी विभाग से, हर विभाग में एक सूचना अधिकारी की भर्ती की गई और कहा गया कि आपको भारत के हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से काम काज कर रही है। और एक बहुत अच्छा एक्ट इसको माना गया, आरटीआई एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। और बहुत सारे सूचनाएं लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई, हम लोगों ने कई बार इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, आरटीआई का इस्तेमाल, अच्छी खासी जानकारी, पहले परीक्षाएं होती थी, जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता था, तो प्रीलिम्स में मार्कशीट नहीं बताई जाती थी, कितना नंबर मिला है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बताते थे, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम, बस आप फेल है या पास। मेंस में भी बस खाली मार्क्स बता दिए जाते थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पाता था लोगों का। तो उसी साल आरटीआई एक्ट आया, तो लोगों ने यूपीएससी में खूब आरटीआई डाली, लेकिन यूपीएससी पुरानी संस्था, जल्दी उस समय वजह था, गुला बनाए गए थे सूचना आयोग, बहुत दबाव के बावजूद यूपीएससी नंबर बताने से मना कर दिया, छात्रों ने बहुत आंदोलन किया। कई बार देखा जाता था कि जो छात्र कम क्वेश्चन किया है वो पास हो गया, जो ज़्यादा क्वेश्चन किया है वो पास ही नहीं हो पा रहा। तो इसी आरटीआई के दबाव में फिर क्या किया गया, सूचना मांगी गई। तब फिर उसके प्रेशर में आके फिर आयोग ने क्या किया, सबके प्रीलिम्स के मार्कशीट जारी करने शुरू कर दिए। इवन आप मेंस में जो लिख रहे हैं, किस क्वेश्चन पे आपको कितना नंबर मिला, आप अपने एग्जामिनेशन कॉपी की फोटो कॉपी आप मांग सकते हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपने जो लिखा है उस पर एग्जाम ने कितना नंबर दिया। तो इससे क्या आई, ट्रांसपेरेंसी आई। पहले नहीं, एग्जामिनर का मूड खराब है, पता चला काट के जीरो कर दिया, नहीं कुछ लिखे तो भी अच्छा नंबर दे दिया, मूड अच्छा है तो मूड के ऊपर होता था। अब जब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होने लगी, भाई छात्र पता है एग्जामिनर को कि छात्र हो सकता है कॉपी की फोटो शीट मांग ले, तो
तो फिर सोच समझ के नंबर देगा कि किस क्वेश्चन पर कितना नंबर मिला। तो छात्रों के हित में तो काफ़ी अच्छा हुआ कि जो अब नंबर आने लगे हैं, कट ऑफ आने लगा है। इवन एक एक क्वेश्चन की लड़ाई हो जाती है इस पर, बड़ी लंबी लड़ाई चलती है, आरटीआई से ही हुआ सब कुछ। तो इससे छात्रों को तो बहुत मदद मिली और सारे विभागों में मदद मिली कि लोगों को पता चला कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस प्रकार से। ठीक, तो अपने आप में ये अब व्यक्ति की आज़ादी में एक बहुत अच्छा कदम था आरटीआई एक्ट। इसके लिए ये लोगों ने बहुत काम किया था। अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन लोगों की परिवर्तन नाम की एक संस्था थी एनजीओ, इन लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, अन्ना हजारे ने लड़ाई लड़ी थी इस आरटीआई के लिए। तो बड़ा संघर्ष हुआ तब जाके सरकार ने दिया इसको। नहीं, वो तो बहुत बाद में, ये 2005 में, ये 2000, वो लोग बहुत पहले से रहे। पहले उनका एनजीओ था, परिवर्तन नाम की संस्था थी, तो वो लोग आरटीआई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। ठीक, अब इसमें है कि बोलने की आज़ादी, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी है हमारे संविधान ने। तो बोलने की स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोले, आपको बोलने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बोलेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये भी आप नहीं बोलेंगे। तो ये जितने भी अधिकार होते हैं या जितने भी स्वतंत्रताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं पर एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, उसको संविधान की भाषा में कहते हैं युक्त युक्त निर्बंधन। युक्त युक्त निर्बंधन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक 10वीं में हम लोग यूपी बोर्ड में पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो अंग्रेजी की जो प्रोज वाली किताब होती है, तो उसमें एक स्टोरी थी कि लंदन में एक कहानी थी, हम लोग 10वीं में थे पढ़ते थे, कि लंदन के एक सुबह सुबह एक आदमी जेंटलमैन फुटपाथ पर निकलता है और हाथ में अपनी छड़ी लहराते हुए लेके चलता है। तो वो छड़ी घुमाते हुए, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए चलता है, तो पीछे से एक आदमी आ रहा था, तो उसके नाक के पास से उसकी छड़ी गुजरी। तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आपकी छड़ी मेरे नाक से टकरा रही है, इसको थोड़ा संभाल के घुमाइए। तो आगे वाले सज्जन ने बहुत ताव से कहा कि भाई हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, जैसे हम स्वतंत्र हैं वैसे हमारी छड़ी भी स्वतंत्र है, जैसे हम कहीं भी आ जा सकते हैं वैसे हमारी छड़ी भी कहीं भी आ जा सकती है। पीछे वाले ने कहा कि भाई ठीक है, आप भी स्वतंत्र हैं, आपकी छड़ी भी स्वतंत्र है, लेकिन आपकी छड़ी की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू हो जाती है, क्योंकि नाक की भी तो स्वतंत्रता है। ऐसा थोड़ी है कि छड़ी आपकी नाक में घुस जाएगी, हमारी छड़ी की स्वतंत्रता है तो नाक की नहीं है। समझ रहे इस बात को, कि स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से किसी की नाक नहीं शुरू हो रही है, देश की एकता अखंडता पर खतरा ना हो जाए। आप बोलने का मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे। तो उसी को कहा जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। 19-2 लिखे, 19-2, 19-2 आपको लिखवाए थे। 19-2 देखिए क्या लिखा हुआ है। 19-2, उन्नीस दो में क्या है? 19-2, बी नहीं, दो बोलना है। अरे बोले होंगे, देखो जहां बोले हैं सब बोले होंगे। ऐसा क्या क्या लिखा है 19-2 में? कहां समझ से बोला? उन्नीस दो में क्या है पढ़िए। राज्यों की सुरक्षा एवं विदेशी राज्यों के साथ संबंध, ये लिखा होगा। देखिए कि इसकी कोई बात उपखंड द्वारा अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों, अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त युक्त निर्बंधन, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि इस पर राज्य युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकती है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लिखिए 19-2, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त, युक्ति नहीं युक्ति है ये, युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस आर्टिकल से लगाया जाता है? 19-2। कैसे लगाया जाता है, किस आधार पर लगाए जाएंगे, लिख लीजिए। राज्य की सुरक्षा, स्टेट सिक्योरिटी,
भारत की है, वो इसका ट्रांसलेशन कर दिया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोले ना, तो वो किस आधार पर है लिख लीजिए, स्टेट सिक्योरिटी सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता अथवा न्यायालय की अवमानना, तो इन सब आधारों पर कि आप ऐसा नहीं करेंगे, कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिससे न्यायालय की क्या हो, अवमानना हो, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिससे भारत का जो विदेशों से संबंध है वो क्या हो, खराब हो, आप ऐसा नहीं बोलेंगे जो भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता को क्या कर रहा हो, क्वेश्चन कर रहा हो, आप ऐसा नहीं बोलेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, समझ गए? तो बोलने का मतलब आप बोलेंगे, लेकिन उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन उसी को बोलते हैं, कि ऐसा निर्बंधन जो देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो उन चीज़ों को आप नहीं बोलेंगे, उसके लिए क्या लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, उसके लिए क्या लगाया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कि लोक व्यवस्था के लिए आप ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जो लोक व्यवस्था के लिए खतरा हो, यानी खराब चीज आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है? तो इस स्वतंत्रता पर भी एक क्या लिमिट है, उसको क्या बोलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन, क्लियर हो गया? तो इन सब मामलों में आपको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, स्टेट रोक सकती है, कि जैसे जेएनयू में हलचल हुई, कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे कुछ बातें हुई थी, खबर आई, तो फिर क्या किया गया, पकड़ा गया, फिर उनको फिर अरेस्ट किया गया, कि भाई आप बोलने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल जाएंगे, तो बोलने से उनको रोका गया, समझ गए? तो ऐसा नहीं कि ये आपको अधिकार दिया गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल अल्टीमेट है कि आप कुछ भी बोलेंगे, बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, तो आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, ठीक है? चलिए, ये हो गया 19(1)(a) और 19(2), ये माने आधार पर, ये आधार है, मानवीय आधार, ट्रांसलेशन, हटा दो बॉर्डर, तो ये सब मतलब ये सब आधार है कि भाई आप बोलेंगे, लेकिन आप न्यायालय के अवमानना के लिए नहीं बोलेंगे, देश की एकता अखंडता के लिए नहीं बोलेंगे, विदेशों से हमारे संबंध उसको खराब करने वाली बात आप नहीं करेंगे, ठीक? ये सब किस में कहा गया है, 19(2) में। अगला लिखिए 19(1)(b), 19(1)(b) लिखिए, तो 19(1)(b) क्या है, कि आपको सभा सम्मेलन करने के अधिकार है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो आपको सभा करने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है, यानी सार्वजनिक रूप से आपको बैठक करने का अधिकार है, और ये सार्वजनिक रूप से आपको बैठक करने का अधिकार आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इसी में है कि जो सार्वजनिक रूप से बैठक करते हैं, देवन देव धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, ये सब है, ये आपका मौलिक अधिकार है, इससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा।
लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि शांतिपूर्वक कि आपका धरना प्रदर्शन क्या होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए, और दूसरी चीज है विदाउट आर्म्स, हथियारों के बिना, कि हाथ में पत्थर लिए वगैरह हथियार थोड़े, तो जो भी तोड़ने फोड़ने मारने पीटने के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे वो क्या माना जाएगा, हथियार माना जाएगा। तो ये आप नहीं कर सकते, बाकी शांतिपूर्वक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखिए बार बार तो लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये इसी अनुच्छेद से किया जाता है। ठीक, जैसे आपको अगर धरना देना है तो आप धरना दीजिए, लेकिन कैसे दीजिए, शांतिपूर्वक हथियारों के बिना, वैसा नहीं कि सड़क घेर के बैठे हुए, तो फिर जबरदस्ती हटाया जाएगा। धरना देने के लिए जगह नहीं मिले, आप बकायदा DM को चिट्ठी लिख सकते हैं कि हमें धरना देना है 19(1)(b) कि हमें अपना प्रदर्शन करना है, इसके लिए हमें जगह चाहिए। बकायदा हर जिला मुख्यालयों पर एक धरना स्थल बना होता है कि जहाँ पर लोग धरना देते हैं। दिल्ली में आप जाएंगे जंतर मंतर के पास धरना स्थल बना हुआ है, लोग धरना देते हैं, पूरा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि आप जब फ्रीडम मूवमेंट हमारा पढ़ेंगे तो हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग देखते हैं कि धरना दे दे के तो देश आज़ाद हुआ है। तो जब धरना दे दे के देश आज़ाद हुआ है तो फिर धरना देने का अधिकार क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार तो होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के बाद ही ये हमें दिया गया कि हमारे सारे नागरिकों को है, लेकिन धरना देने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, हड़ताल करने का नहीं। हड़ताल मतलब तालाबंदी, काम रोक दे रहा है, ये नहीं। आप धरना दीजिए, शांतिपूर्वक दीजिए, लेकिन हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, धरना देने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इस फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है। वह प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, हड़ताल, हड़ताल मतलब तालाबंदी, क्या आप खुद भी नहीं काम कर रहे हैं, दूसरे को भी नहीं करने दे रहे। ठीक, अब इस पर भी रिस्ट्रिक्शन होगा कि रेलवे वाले हड़ताल करके बैठ गए, बिजली विभाग हड़ताल करके बैठ गया, तब तो फिर ट्रेन बिजली चली नहीं, सारी व्यवस्था वैसे ही बैठ गई, सेना हड़ताल कर दी, पुलिस हड़ताल कर दी, कैसे काम चलेगा। तो इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, कौन से अनुच्छेद से, 19(3) देखिए, 19(3), 19(3), 19(3) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन, कि देश की एकता अखंडता शांति भंग की आशंका अगर है तो फिर आपको हड़ताल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लिख लीजिए, सब पर रिस्ट्रिक्शन है। उधर देखिए 19(ABCD) बढ़ रहा है, 19(1)ABCD), और इधर 19(2)3)4), ऐसे बढ़ता चला जाएगा, समझ गए। अब अगला आ जाइए, 19(1) क्या आएगा, 19(1)C, 19(1)C लिखिए, हाँ लिखिए। 19(1)C पर रिस्ट्रिक्शन किससे लगेगा, 19(4) से, 19(1)D से 19(5), 19(1)F से 19(6), ऐसे लगता है, समझ गए। लिख लिया 19(1)C, 19(1)C क्या है, कि आपको कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यूनियन आप बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि आप किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना कर सकते हैं, किसी छात्र संघ की स्थापना कर सकते हैं, मजदूर यूनियन की स्थापना कर सकते हैं, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। किससे, कोई भी संघ या समिति बनाने का अधिकार, इसी बाद में सहकारी समितियों को भी जोड़ दिया गया। तो इसीलिए आप देखिए ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे यहाँ बनती हैं ना, अलग अलग पार्टियां, तो उसको रोका नहीं जा सकता। अलग अलग यूनियन बनते हैं, छात्र संघ बनते हैं, मजदूर संघ बनते हैं, सबके अलग अलग यूनियन बने हुए हैं। तो ये क्योंकि हमारा क्या है, अधिकार है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे दिल्ली में झाड़ू पार्टी बनी, आपका UP में हम पोछा पार्टी बनाएंगे, बिल्कुल बनाइए, इसका चुनाव चिन्ह पोछा रखे, कोई आपको नहीं मना करेगा, क्योंकि हमारा क्या है, अधिकार। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान स्वतंत्रता पार्टी और कश्मीर स्वतंत्रता पार्टी बना लेंगे। तो इस पर भी क्या लगाया जाएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, किस अनुच्छेद से, किससे लगेगा, 19(4), लिख लीजिए,
कि देश की एकता अखंडता पर अगर सवाल उठे तो फिर आपको रोक दिया जाएगा। 19 चार से इस पर क्या लग जाएगा? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन, समझ गए? चलिए इसके बाद आएगा 19-1, कौन सा? डी, 19-1D। तो 19-1D क्या है? हाँ लिख लीजिए, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द नेशन, कि आपको देश के किसी भी हिस्से में आने जाने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, और ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये जो आपको आने जाने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, क्या आप अबाध रूप से बिना किसी रोक के कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं? ठीक, तो ये आपका कौन सा अधिकार है? 19-1D। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, जा करें 19-1D, हम यही घूमेंगे, ये नहीं होगा। या संसद भवन घुस जा रहे हैं 19-1D करने के लिए, विधानसभा में घुस जा रहे हैं 19-1D करने के लिए, किसी घर में घुस जा रहे हैं, तो इस पर भी क्या होगा? रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा। किस अनुच्छेद से? लिख लीजिए कि लोकहित और लोक व्यवस्था के आधार पर इस पर क्या करेंगे? प्रतिबंध लगा सकते हैं। भाई इस पर भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। किस आधार पर? कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इस पर राज्य क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं कि भाई यहाँ यहाँ आपको नहीं जाना, कई जगहों पर बैन लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 19-1E। तो 19-1E क्या है? हो गया कि 19-1E क्या है? कि आपके देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है, और बसने का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। कि आप देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, यानी रह सकते हैं, आवास ले सकते हैं, घर मकान ले सकते हैं, तो देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कि किसी घर में घुस जाए, बोले भी यही रहेंगे, ये भी तो देश का हिस्सा है। तो जहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जहाँ मना किया गया है लोकहित में, पब्लिक ऑर्डर में, उसको को क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्ट किया गया। किस अनुच्छेद से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा? 19-6 लिख लीजिए। इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा, युक्त युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। चलिए फिर इसके बाद 19-1F नहीं होगा, 19-1G होगा। 19-1G, नाइनटीन वन जी क्या है?
लिख लीजिए कि जो 19वां जी है कि आपको अपने हित में कोई भी व्यवसाय, आजीविका या वृत्ति, यानी कोई भी काम, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉकेटमारी करेंगे, हमारा मन कर रहा है, ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन वही है कि जो राष्ट्र के हित में ना हो, बाकी चीज़ों के हित में ना हो, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इस पर रिस्ट्रिक्शन किससे होगा, 19-7 से इसको क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कि भाई कुछ चीज़ों को रोका जाए कि भाई हर जगह आप नहीं जा सकते। अब ये जो 19-1 जी है, ये आपको अपनी पसंद की आजीविका चुनने का अधिकार देता है, और ये आपको कैसा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। अब ये मौलिक अधिकार दे तो दिया लेगा, लेकिन इससे बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि इससे हमारे देश का जो ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन है, वो गलत जगह लग जाता है। क्लास में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आईएएस पीसीएस बनने की क्षमता रखते हैं, क्लर्क बनने की तैयारी करते हैं, कोई उनसे नहीं कहता बेटा तुम्हारी क्षमता ज़्यादा है, आप कुछ करो। या बहुत से लोग होते हैं बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखे होंगे सोसाइटी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं सोसाइटी में, कुछ नहीं करते, घर मकान बना के किराए पर दे दे, बोले बैठ के किराया खाएंगे, तो भी क्या है, संसाधनों पर बोझ ही है। तो ये जो पसंद के आजीविका चुनने का अधिकार है, इससे हमारा जो मानव संसाधन है गलत जगह लगा हुआ। आधों को पता ही नहीं करना क्या है जिंदगी में, जब तक सोचते हैं तब तक करना क्या है, तब तक ग्रेजुएट हो जाते हैं। जब एकदम सोच लें कि अब यही करना है, अब यही हमारी क्षमता है, तब तक तो पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट डिग्री हो जाती है, मास्टर हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब इतना आगे बढ़ गया, अब क्या पीछे हटा जाए। कायदे से होना चाहिए, जैसे चाइना है, चाइना में यहाँ पर इस तरीके का कोई मौलिक अधिकार नहीं। वहाँ पर दिखेगा आदमी हटा कट्टा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, इसको टीचर नहीं पहलवान होना चाहिए, तो पहलवानी में लगा देंगे। वो बचपन से ही स्क्रीनिंग कर लेंगे कि बढ़िया कूद फांद रहा है, इसको जिमनास्ट बना रही है, ये इसकी शरीर अच्छी है, इसको स्विमर बनाना चाहिए, इसका दिमाग तेज है, इंजीनियर बनेगा, इसका शरीर फिट है, ये फौज में जाएगा। वहाँ पर लोगों की क्षमता के हिसाब से काम दे दिया जाता है। तो जब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपसे काम कराया जाएगा, तो काम क्या होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर लास्ट तक पता नहीं चलता, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो खुद ही बताते हैं, यार करना तो कुछ और चाहते थे लेकिन मजबूरियाँ थी, जो ये करने लगे, खुद ही नहीं समझ में आता लोगों को करना क्या है। तो इससे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, गलत जगह लगा हुआ, आधों को पता नहीं है करना क्या है। ठीक, अब जैसे, और कई बार लोग क्षमता से ज्यादा होते हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने पढ़ाई पढ़ी इंजीनियरिंग की, बीटेक किया उन्होंने आईटी रुड़की से, उसके बाद बीटेक करने के बाद उन्होंने टीसीएस में नौकरी की। टीसीएस बड़ी कंपनी है, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का सपना लोगों का सपना होता है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, आईआईटी के एडमिशन में, आईआईटी में पढ़ने का सपना कितने लोगों का होता है कि हम आईआईटी पढ़ेंगे, नहीं पूरा होता। उस बंदे ने आईआईटी का तैयारी भी की, एग्जाम भी दिया, और आईआईटी में पढ़ाई भी की, मैकेनिकल इंजीनियर, फिर टीसीएस में कुछ साल नौकरी भी की। उसको छोड़ के उसको लगा कि अब सिविल सर्विस से ज्वाइन कर लेना चाहिए, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी किया, यूपीएससी क्रैक किया और इनकम टैक्स कमिश्नर बने, 7 साल तक रहे, यूपीएससी क्रैक करा, सोचिए। फिर तो इसके बाद लगा ये भी बेकार है, हमें एनजीओ खोल लेना चाहिए, तो उन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था बनाई, और भी बताया कि आईटीआई वगैरह मुल्लू को बड़ा योगदान था, अच्छा खासा एनजीओ चला, रेमन मैक्सेसे अवार्ड मिला, इसी आईटीआई वगैरह के लिए उन लोग को क्या मिला था, रेमन मैक्सेसे, अरविंद केजरीवाल। फिर कुछ साल बदला कि एनजीओ भी खराब है, उन्होंने सिविल सोसाइटी बनाई अन्ना हजारे के साथ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया 2010-11 में, भयंकर आंदोलन चला दिल्ली में, हम लोग भी उस समय आंदोलन में थे, दिल्ली में थे, हम लोग भी आंदोलन में, गिरफ्तारियां दिए जम के। फिर उनको लगा कि यार आंदोलन आंदोलन छोड़ो, राजनीति करता है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ गए और फिर मुख्यमंत्री बने, और एक बार नहीं 3 बार। और सोचिए 70 में जब दोबारा चुनाव हुआ था 2015 में, 70 में 67 सीटें, फिर 2019 में थोड़ा सीटें कम हो गई, तो 70 में 62 सीटें, मतलब 99% सीटें, 90% सीटें मिल रही। उतनी सफलता तो कभी जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिली जब अपने वो पीक पर थे। तो सोचिए एक सपना पूरा करने के लिए में एक आदमी की जिंदगी गुजर जाती है। आईटी का सपना लिए कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग बड़ी कंपनी में काम करने के लिए तरसते हैं, कितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते करते बुढ़ा जाते हैं।
कितने बड़े बड़े नेता है, कितने लोग एनजीओ खोलते खोलते छोटा छोटा एनजीओ बड़ा नहीं हो पाता, कितने लोग सिविल सोसाइटी बना पाते हैं, कितने लोग विधायक बनने के लिए तरस जाते हैं। बनारस में है नेता दयाशंकर मिश्रा, दयालु गुरु, बूढ़े हो गए बेचारे, विधायक तक मतलब एमएलए नहीं है बन पाए, एमएलसी बन के उनको मंत्री बनाया गया, एक बार चुनाव नहीं जीत पाए दयालु गुरु, एमएलए नहीं बन पाए, सांसद ही छोड़ दीजिए, बूढ़े हो गए। सोचिए मंत्री बनने के लिए तरसते हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार में मुख्यमंत्री, सीधा मंत्री उन्त्री नहीं, राज्य मंत्री नहीं कि लॉलीपॉप दे दे जाओ, राज्य मंत्री बना दे, खुश हो जाओ, जिंदगी गुजर गई, चलो राज्य मंत्री बना देते, सीधा मुख्यमंत्री। अभी 3 बार, अभी दिल्ली जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां गिद्ध की तरीके से यहाँ गड़ाई हुई, भाजपा बीजेपी जैसी पार्टियों के नीचे से चटाई खींच के भाग गए। सोचिए उस आदमी ने कितने लोगों का सपना अकेले जी लिया, इसको आप कैलिबर कहिए आप। एक आदमी ने क्या क्या कर दिया, कितने लोगों का सपना वो अकेले जी के चला गया, और अभी भी है, कल को दाढ़ी बढ़ा के बाबा हो जाए कोई भरोसा नहीं कि ओशो की तरह ज्ञान देना शुरू कर दे। तो क्या उनको ये बार बार फील्ड चेंज कर रहे हैं, कोई रोकता क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास कौन सा अधिकार है, 19(1)(g) कि वो स्वतंत्र हैं। समझ रहे हैं इस बात को आप, एक आदमी कितनी क्षमताएं जी गया, कितने लोगों का सपना अकेले वो खा गया। खैर, तो ये एक से एक क्षमता वाले लोग हैं, अतिरिक्त क्षमता है, तो कईयों का अकेले खा गए, और कुछ बेचारे कहीं जिंदगी गुजर जाती है। तो इससे जो हमारे देश का मानव संसाधन है वो मिसयूज होता है, तो पता ही नहीं करना क्या है, लोग पता ही नहीं है, ग्रेजुएशन तक तो हवा ही नहीं लगते ही करना क्या है, समझ गए। तो इससे चाइना में इस तरीके का अधिकार नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी हमारे यहाँ राज्य का उद्देश्य विकास करना नहीं, राज्य का उद्देश्य लोगों का भला करना, लोग जिसमें खुश रहें, लोगों की इच्छा है, मन कर रहा है हमारा ये करने का, मन कर रहा है हम सिपाही बनेंगे जिंदगी भर, जो है कि डंडा लेके खड़े रहेंगे सड़क पर, ये भी सपना करिए भाई, ये भी सपना देखिए, मना थोड़े करता है कि यार सपना भी देखना है, तो बड़ा सपना देखिए। जैसे एक बार एक कहानी पढ़े थे हम लोग कि एक बाप बेटे जा रहे थे ट्रेन में, गरीब थे, भूखे थे, खाने को नहीं था, तो बेटा बड़ा भूखा था, बोले पापा बड़ी भूख लगी, कुछ पैसा वैसा है नहीं, क्या खाया जाए, तो बोले बेटा कुछ नहीं, आंखें बंद करो और मन में सोचो कि सपने में हम लोग कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हैं। तो फिर आंखें बंद किए, फिर बाप ने कहा कि बेटे से बेटा खा लिए, हाँ खा खाए, दाल रोटी खाए, ये एक तमाचा मारा कि अबे सोचने में तो बढ़िया कुछ खा लेते, सपना भी देखे तो किसका, दाल रोटी का, है जिंदगी में कुछ नहीं करोगे यार, सपना तो बड़ा देख लेते भले ही कुछ ना खाए। तो ये क्षमता है, कर नहीं रहे, पता ही नहीं वो। तो इससे ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन क्या है, गलत जगह लग जाता, लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है। आज ज्यादातर आबादी हमारी इसी में परेशान है कि जब तक करने की सोचते हैं तब तक तो ग्रेजुएट हो जाते हैं, और जब फाइनल होता है कि अब यही करना है तब तो मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं, तब तक सोचते हैं बहुत लेट हो गया, आप क्या, जो हुआ सो हुआ, अब इसी में आगे बढ़ा जाए। तो इसीलिए देश का विकास की गति क्या है, स्लो, क्योंकि मानव संसाधन गलत जगह है, जबकि चाइना में इस तरीके के कोई मौलिक अधिकार नहीं है, पकड़ के काम पर लगा देंगे बेटा चलो इधर हो गया, लेकिन उनका विकास, उनका टारगेट है विकास, डेवलपमेंट करना, हमारे यहाँ राज्य का लक्ष्य विकास करना नहीं है, लोगों का भला, लोग जिसमें खुश रहे, लोग सेटिस्फाइड रहे। डेमोक्रेसी की बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या भी है, लोगों की खुशी देखी जाती है, लोगों की खुशी जिसमें घर मकान बना किराए दे दें, किराए खाएंगे, जाइए कुछ नहीं करेंगे, ये भी संसाधनों पर बोझ है कि आपने पढ़ाई लिखाई की, आपके अंदर इतनी क्षमता है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो ये 19(1)(e)(1)(g) जो है ये आपको अधिकार दे रहा है कि आप अपने पसंद से कोई भी नौकरी चुने, कुछ भी काम करें, लेकिन अगर गूढ़ अर्थों में देखेंगे, हालांकि ये व्यक्ति के लिए तो अच्छा है लेकिन राज्य के लिए अच्छा नहीं, आपकी अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा है, इच्छा बदलती रहती है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, सब इधर उधर लहराते रहते हैं, लहर में सब चलते हैं, फार्म आ गया अपना रेलवे का सब तोड़ने लगेंगे, रेलवे में छुट्टी बनने लगते हैं, फार्म आ गया बैंक का सब क्लर्क बनने लगते हैं,
आगे लेखपाल का सब लेखपाल, पहले अपना सोचिए, आप पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, दिमाग देखिए आपका क्या है, आपकी क्षमता कैसी है, आपकी सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, ये तो है ही नहीं। जाएंगे वो लहर में बह जाते हैं, तो फिर वही गड़बड़ होती है। तो ये सब किसकी वजह से है? 19-1 जी, ठीक। चलिए, तो ये सारे अनुच्छेद किस में है? 19 में ही है। और ये सब आपकी क्या है? अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है कि आप फला नौकरी करना चाहते हैं, आपकी क्या है? अभिव्यक्ति है कि आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, आपकी अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए जो 6 बातें दी गई हैं किसमें दिया, और इस पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ऐसा नहीं कि बोले हम डकैती करेंगे, डाका डालेंगे, ये भी नहीं हो, तो उस पर क्या होगा? रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा। चलिए, तो ये सारी बातें किसमें कही गई हैं? 19 में, ठीक है। अगला अनुच्छेद कौन सा आएगा? 20, 20। चलिए, 20 के ऊपर हम लोग अब कल बातचीत करेंगे, ठीक है, 20 भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूरे मौलिक अधिकारों, 22 तक आपको बताया कि 22 तक आर्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं, 22 के बाद फिर छोटा छोटा आ जाएगा, इसी में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए समझदार चीज़ों। ठीक, मिलते हैं फिर इकोनॉमिक्स के साथ हम लोग थोड़ी देर में।